नमस्कार साथियों, आज सिगरेट स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा कि आप सिगरेट स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकते हैं। अब सिगरेट स्मोकिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि स्मोकिंग में होता है एक निकोटीन, ये कंपाउंड दिमाग के अंदर जाके निकोटीन रिसेप्टर होता है उस पे काम करता है और आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन सिक्रेट कराता है। अब डोपामिन से होता है क्या है कि शरीर के अंदर जो रिलैक्स ऐसा कर सकते हैं, काम हो जाना, रिलैक्स हो जाना, टेंशन दूर हो जाना, ये सारे डोपामिन के असर के कारण होता है। मूड बेसिकली वो एलिवेट कर देता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो डोपामिन निकल रहा है इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, और सिगरेट स्मोकिंग के साथ यही होता है कि निकोटीन डोपामिन बढ़ाती है, शरीर में डोपामिन का लेवल कम होता है, सिगरेट स्मोकिंग की तलब आपको लगती है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा पॉसिबल अप्रोच है, ऐसे लोगों पे ही काम करेगा जो बिल्कुल मोटिवेटेड हो, मतलब बिल्कुल अंदर से स्ट्रांग विल पावर है कि मुझे तो अब छोड़ना ही छोड़ना है। और छोड़ना इसलिए है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से पता होगा कि हजारों तरह के उसमें केमिकल्स होते हैं जो फेफड़े की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, एथेरोस्क्लेरोसिस कराना, लकवा में आ जाना, हार्ट अटैक कराना। शायद ये कम लोगों को पता हो कि हार्ट अटैक का मेजर रीजन होता है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी के अंदर उसको ब्लॉक करते हैं, एथेरोमेटस ब्लॉक उसमें बनाते हैं। इसके अलावा मुंह का, गले का, फेफड़े का कैंसर कराता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कराना, डाइजेशन में दिक्कत कराना, और भी तमाम तरह कि इसके बैड इफेक्ट होते हैं, चिड़चिड़ापन लगना, आदत लग जाना, नशे की, कब्ज हो जाना, ये सब होता है। तो क्या करना है कि ये जो निकोटीन है ना, इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट में इसके च्युइंगम आते हैं, चबाने के लिए निकोटीन आता है, थोड़े दिन के लिए करना है, ऐसा नहीं कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उसकी भी आदत लग जाती है, लत लग जाती है कि निकोटीन वाला च्युइंगम है, चबाते चबाते सिगरेट छूट गई लेकिन पता चला कि उसकी आदत लग गई। तो मार्केट में आता है तो उसको कंट्रोल तरीके से लेना है, कंट्रोल तरीके से कि मतलब जो च्युइंगम होगा ना, चाहे निकोटिक्स हो या निकोगम हो या कुछ और भी नामों से आता है, निकोरेट वगैरह नाम से भी आता है, और भी काफी तरह के नाम आते हैं, निकोटिक्स थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। तो उसको क्या करना है कि उसकी देख लें कि कितनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का आप चुनाव कर लें। अब आप इंटरवल पे देख लें कि आपको कितनी स्मोकिंग की आदत है, उस हिसाब से लेना है। ऐसा नहीं कि जब आपको बिल्कुल नशा लगा, तलब लगी तभी लेना है। दिन में डिसाइड कर लें कि हमें 4, 5, 6, 7 जितने भी होते हैं उतने लेना है। उसको आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे जो सिगरेट से निकोटीन लेने की आदत थी ना, वो इस पे शिफ्ट हो जाएगी गम पे। या एक और तरीका यह है कि निकोटीन के पैच है, उसके लिए पैच आते हैं, निकोटीन के पैच आते हैं, उसको आप अपनी स्किन पे कहीं पे भी लगा सकते हैं और फिर निकाल भी सकते हैं। तो पैच को देख लें, हालांकि वो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन उसको भी इसी तरीके से किया जा सकता है कि आपके शरीर में निकोटीन की कंटिन्यू सप्लाई रहेगी तो जो सिगरेट की आदत है वो धीरे धीरे करके खत्म हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसको छोड़ने में मदद करेगा। फिर जो पैच है या जो च्युइंगम यूज करते हैं इसको भी धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। जो पैच आते हैं या जो गम आता है उसमें भी स्ट्रेंथ लिखी रहती है निकोटीन की, कितना मिलीग्राम है, तो ज्यादा से स्टार्ट करना है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा करके आप लगभग टारगेट करें कि 2 से 2.5 महीने के अंदर छोड़ देना है। पहले 2 हफ्ते ज्यादा लिया, फिर 2 हफ्ते और कम किया, फिर कम किया, ऐसे करके आप करेंगे। काफी सारे लोगों में इससे फायदा होता है, जो लोग ये यूज करते हैं निकोटीन गम या पैच, तो लगभग 20-25% लोग छोड़ पाते। ट्राई करते रहें, कभी न कभी वो छूट जाती है। और दूसरा एक चीज और ध्यान दें कि निकोटीन डोपामिन बढ़ाता है, उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जो ब्रेन में डोपामिन बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कुछ खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है, साथ में और भी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ते हैं, सीरोटोनिन बढ़ना, एंडोर्फिन बढ़ना। इसकी जो आदत है कि हमें निकोटीन के थ्रू डोपामिन बढ़ाना है, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। सिगरेट पिया, निकोटीन ब्रेन में गया, उसने डोपामिन बढ़ाया, फाइनल रिजल्ट तो आपको डोपामिन चाहिए क्योंकि आपको जो अच्छा लग रहा है डोपामिन की वजह से हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डोपामिन बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें दौड़ना है, जिम में जाना है, कुछ खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, जिम में जाना है, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, इससे क्या होता है डोपामिन बढ़ेगा। जब जब भी आपको तलब लगे या इसको आप रूटीन बना लें कि हमें तलब लगेगी तब करो, या तो आप दिन में 1 या 2 बार करेंगे, उससे भी कुछ लोगों को हेल्प मिल जाएगी। सारे लोगों को मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिपेंडेंसी लेवल रहता है कि कितनी स्मोकिंग कर रहे थे, ब्रेन में क्या कैसी हालत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होता है। और डोपामिन तब भी रिलीज होता है जब आप अपनी हैबिट का कुछ काम करते हो, जैसे कि कोई अच्छी चीज खाते हो जो आपको पसंद हो, कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हो, कोई टीवी सीरियल देखते हो, या कुछ भी घर का काम, किसी को लिखने का शौक होगा, पेंटिंग का शौक होगा, इस तरह के काम करने से डोपामिन रिलीज होता है। निकोटीन के द्वारा लेना है, सिगरेट के द्वारा लेना है,
उसको हम दूसरे तरीके से बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसा किया जा सकता है। और पानी वगैरह पीने से भी थोड़ा सा कम सिगरेट पीने की आदत रहती है, तो ये कुछ तरीके आप ट्राई करें। इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, डी एडिक्शन सेंटर होता है, वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं लोगों को उन्होंने कैसे छोड़ा है, उससे एक मोटिवेशन मिलेगा, तरीका मिलेगा। साइकोलॉजिकल भी एस्पेक्ट होता है कि भाई जो चीज जहाँ पीते हो उस सिचुएशन में नहीं जाओ, सिगरेट नहीं खरीदो, एस्ट्रे वगैरह सब फेंक दो, उस तरह के दोस्तों के पास नहीं जाओ, या जैसे आप घर में अकेले होते हैं या कोई ऐसी कंडीशन जब अकेले में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलने लगोगे, तो अपने आप ये जो उसकी अर्ज आती है कि निकोटीन लेना है, सिगरेट लेना है, वो धीरे धीरे कम जाएगी। और एक दवाइयों का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन पे भी हो पाएगा। तो ऐसे लोग जो सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने बेसिक बातें बता दी हैं। बेसिकली सारा गेम है आपके शरीर में निकोटीन का जाना और डोपामिन का बढ़ना, बस इसी का है। अगर आप इस पे काबू पा लेते हो तो धीरे धीरे करके आपकी इसकी आदत छूट जाएगी। सिगरेट के अंदर बहुत तरह के केमिकल होते हैं, अलग अलग तरह के हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालते हैं, तो उससे बचा जा सकता है, पर उसके लिए मोटिवेशन जरूर चाहिए और एक दवाइयों का भी रास्ता अच्छा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इसलिए जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके लिए कि सिगरेट को कैसे हम छोड़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए।